प्रोमो आगे बात करते हैं, रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर त्रिपुरा नागालैंड में तस्वीर साफ हो चुकी है, बीजेपी की सत्ता में वापसी लगभग तय है, मेघालय में बन सकती है त्रिशंकु स्थिति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे त्रिपुरा नागालैंड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आज परिणाम आ रहे हैं और आपको बता दें कि त्रिपुरा नागालैंड में तस्वीर साफ है, बीजेपी की सत्ता में वापसी लगभग तय है और मेघालय में बन सकती है त्रिशंकु स्थिति। चलिए रुक करते हैं और बड़ी खबर का, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय आएंगे पीएम मोदी, चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय चुनाव के आएंगे नतीजे और बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे वहां पर जाएंगे, जहां पर चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे और त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का मामला सामने आया है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, सिलेंडर का दाम बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की भी खबर सामने आ रही है, बढ़ती महंगाई के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे, जहां पर जिस तरीके से सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का मामला और इसी मामले में कांग्रेस कार्यालय के बाहर नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, सिलेंडर का दाम बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होने की भी खबर सामने आई। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर यह झड़प होती नजर आ रही है, बढ़ती महंगाई के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अतीक अहमद के करीबी सफदर अहमद पर भी एक्शन हो चुका है, पीडीए की टीम ने मकान खाली कराना शुरू कर दिया है, करोड़ों के मकान का पीडीए ने नक्शा पास नहीं है और पीडीए के मुताबिक पहले भी नोटिस भेजा गया था, जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जा रही है, ये पीडीए की तरफ से कहा गया है। सफदर की जानसन गंज के असले की दुकान है और इसी के तहत आपको बता दें कि अब एक बार फिर से अतीक अहमद के करीबी पर एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसने की खबर सामने आ रही है और इसी के तहत आपको बता दें कि प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के करीबी सफदर अहमद पर एक्शन, जहां पर पीडीए की टीम ने मकान खाली कराना शुरू कर दिया है और करोड़ों के मकान का पीडीए से नक्शा पास नहीं था और इसी के तहत आपको बता दें कि पीडीए के मुताबिक पहले भी नोटिस भेजा जा चुका लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद अब ये कार्रवाई पीडीए की तरफ से की जा रही है।